दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है बिजनेस की सीधी बात विदाउट एनी बकवास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं नॉर्थ बंगाल में हूं, यानी मैं नॉर्थ बंगाल में हूं और मेरे आसपास है चाय बगान। आज मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, कैसे चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, कैसे चाय बनती है, कंपनी में कैसे चाय को तैयार किया जाता है। जितने भी आपने YouTube में वीडियो देखे हैं, ये वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको चाय पत्ती तोड़ने से लेकर चाय पत्ती कैसे तैयार होती है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और कैसे इसका बिजनेस होता है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो कहीं भी मत स्किप करिएगा, क्योंकि अगर आपकी चाय बगान और चाय पत्ती के बारे में बहुत कम नॉलेज है तो ये वीडियो आपको आज बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। और बता दूं, इस वक्त मैं सोनगाछी टी स्टेट में हूं। तो चलिए पहले मिलते हैं हम यहाँ के जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, पुनीत जी से, और उनसे बात करते हैं कि चाय पत्तियां कैसे तोड़ी जाती हैं, क्या मौसम में तोड़ी जाती हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। मेरे साथ अब पुनीत पांडे जी हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है सोनगाछी टी स्टेट के। पुनीत जी, अब मुझे अब शुरुआत से बताइए कि कैसे चाय की तैयारी होती है, कैसे बगान से तोड़ा जाता है इन पत्तियों को, बताइए। नमस्कार। पहले तो यहाँ पे हम लोग प्लगिंग करते हैं चाय की पत्ती को, पहले मतलब तैयार करते हैं, प्लगिंग लायक होता है, फिर प्लगिंग करते हैं उसका। और प्लगिंग मतलब तोड़ना? हाँ, तोड़ना होता है। फिर मतलब 6 दिन का राउंड होता है इसमें, 6 दिन पे हम लोग तोड़ते हैं, हर 6 दिन या 7 दिन पे, कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है, 7-8 दिन भी होता है, लेकिन मतलब 6 दिन का राउंड बढ़िया माना जाता है। और उसके बाद ये फिर फैक्ट्री जाता है, फिर फैक्ट्री में सारा प्रोसेस होता है। ये जो गार्डन है पुनीत जी, जो ये गार्डन है, इसमें जैसे जब पत्तियां आप लगाते हैं तो साल में कितनी बार इसको पत्तियों को तोड़ते हैं आप? साल में हम लोगों का टोटल 4 महीना ऑफ सीजन होता है। कौन से महीने? ये नवंबर लास्ट से फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद मतलब पूरे साल प्लगिंग होता ही रहता है। एक बात और हमने देखा है पुनीत जी, बहुत सारे मेरे श्रोताओं के दिमाग में वो सवाल कूद रहा है कि हम देखते हैं सिर्फ महिलाएं ही पत्तियां तोड़ती हैं, पुरुष ने कभी नहीं पत्तियां मैंने तोड़ते बहुत कम देखा या नहीं देखा है, कारण क्या है कि महिलाएं तोड़ती हैं? यहाँ पे भी मतलब लड़के भी तोड़ते हैं, लेकिन लड़कों का और सारा काम होता है, इसलिए महिलाओं का मतलब हाथ सेट हो जाता है एक तरह से, इसलिए महिलाएं तोड़ती हैं। और लेकिन हम लोग यहाँ सब हर जगह देखा गया, पुरुष भी तोड़ते हैं। हाँ, लेकिन महिलाओं के हाथ कुछ नरम होते हैं क्या, ऐसा कुछ बात है कि जो पत्तियां ज्यादा बढ़िया टूटती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाथ सेट होने के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। पुनीत जी, एक बात और है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है, फिर भी जो पत्ती है वो हाथ से ही तोड़ी जाती है, मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? मशीनों से क्या होता है कि मशीनों के अंदर इतना सेंस नहीं होता है कि मतलब बराबर वो तोड़ काटते चले जाते हैं। होता है हाथ वाला मशीन एक होता है, कई तरह के मशीन होते हैं, 2 आदमी पकड़ता है, 1 आदमी पकड़ के अकेले भी चला सकता है, लेकिन उसमें ये होता है उसको इतना सेंस नहीं होता है, फिर क्वालिटी खराब हो जाता है उसमें। जैसे ये है बड़ी पत्ती, ये भी वो तोड़ते चला जाएगा, ये भी काटते चला जाएगा, ये भी उसमें जाता रहेगा। और इंसान जब तोड़ता है पत्ती, उसमें देख के तोड़ेगा ना, ये हमको तोड़ना है, तो ऐसे तोड़ता है, और ये चीज़ नहीं तोड़ना है, ये नहीं तोड़ेगा। अच्छा। तो इससे क्वालिटी बहुत असर पड़ता है। तो हम देखेंगे अब जाके अगला प्रोसेस क्या होता है, अब हम फैक्ट्री जाएंगे और वहाँ देखेंगे अगला प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपकी चाय बनती है, कैसे इनको सुखाया जाता है पत्तियों को, और क्या किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती जो बगान में तोड़ी गई थी, अब वो फैक्ट्री तक पहुंच चुकी है, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इस पत्ती को बोरे में भर रहे हैं, और बोरे में भरने के बाद अब इसे फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा, और वहां पर क्या काम होगा चलिए आपको दिखाते हैं, और बने रहिए इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आपने देखा पहले स्टेप में कैसे पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उसके बाद कैसे उन्हें गाड़ियों में लोड करके फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। अब मेरे साथ विकास कुमार चार जी हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब पत्ती फैक्ट्री तक पहुंच गई है, विकास जी अब मुझे बताइए कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, गार्डन से पत्ती टूटने के बाद में, जब ये ट्रैप हाउस है, इसमें फैंस लगे हुए हैं जी, जिनके जैसे 900 RPM के फैंस हैं, 5 HP की मोटर वगैरह, इससे क्या है कि ये एक जाली लगाया जाता है, इसको ट्रैप हाउस बोला जाता है। अच्छा, इसके ऊपर पत्ती को स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड करने के बाद में इसके फैन चला के 30% मॉइस्चर आउट कर दिया जाता है, मतलब सुखाया जाता है पत्ती को। 30% इसका मॉइस्चर आउट करेंगे तो पत्ती क्या है, नरम हो जाता है। नरम हो गया ये मॉइस्चर आउट करने के बाद में, जैसे पीछे लड़का लोग बैग से कैरिंग करके, ये मोनोरेल है सामने, मोनोरेल। अच्छा, आप दिखाइए। मैं दिखाऊंगा जी। ठीक है, वो धीरे धीरे मोनोरेल के अंदर
लगा के मशीनों में अंदर चला जाएगा, फैक्ट्री तक जाएगा। और इनको सुखाना क्यों जरूरी है बगान से आने के बाद? इसको सुखाने से क्या है कि ये विदरिंग होने से इसका एक फ्लेवर आता है, फ्लेवर स्मेल जो होता है, हाँ स्मेल जो जिसको फ्लेवर ही बोलते हैं, जो चाय का मेन करेक्टर है। अच्छा वो इसके इसके कारण आता है। अच्छा देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि जो चाय का जो गंध आती है, जो सुगंध एक चाय का फ्लेवर है, उसमें ये स्टेप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विदरिंग का, विदरिंग मैन है विदरिंग। इसलिए मैंने कहा ना कि वीडियो आपने यूट्यूब में कहीं नहीं देखा जो इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, यानी विदरिंग होने से ही स्मेल आती है। और सर मान लीजिए ऐसा हुआ कि अगर विदरिंग जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा हो गई, लेबर ने ध्यान नहीं दिया या ज्यादा विदरिंग हो गई, तो क्या पत्तियां खराब भी हो जाती है? हाँ खराब हो जाती है, पत्तियां खराब हो जाएंगी, खराब हो जाती है, उसमें फिर हार्ड हो जाता है। अच्छा तो वो क्या किसी काम का रहता है कि नहीं रहता है? वो जैसे पीने का काम का तो रहेगा, लेकिन जैसे चाय पियेंगे उसमें थोड़ी हार्डनेस आएगी। अच्छा और दूसरा जो चाय का करेक्टर है वो हार्ड विदर होने से फिर हार्ड विदरनेस उसमें पता चलती है। तो यानी इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब विदरिंग करे तो बहुत ध्यान से विदरिंग करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मुझे विकास जी ये बताइए इसके बाद क्या करते हैं विदरिंग के बाद? विदरिंग के बाद में क्या है कि ये पत्ती यहाँ से नेट बोरे में कैरिंग करके इनको मशीन तक ले जाया जाता है, मशीन तक। हाँ। तो चलिए आप मुझे आगे बताइए कि मशीन के मशीन में कैसे लेके जाते हैं और उसके आगे क्या करते हैं? ये जैसे अंदर से बोरे है विदरिंग करने के बाद में, ऐसे इसमें मोनोरेल के द्वारा मशीन तक भेजा जाता है। जैसे पत्ती वहां से आ गया तो ये है रोटर वैन, ऊपर से पत्ती रोटर वैन में लगाया जाएगा, रोटर वैन के अंदर पत्ती क्रैश होके यहाँ निकल जाता है, फिर ये स्प्रेडर के माध्यम से आगे चार कट लगे हुए हैं, चार कट, ये सीटीसी, इसको सीटीसी बोला जाता है, चार कट में पत्ती कटते कटते आगे चलता जाएगा। ये उधर से चार कट में माल कट के, ये इसको ड्रम बोलते हैं, खुगी, इसके अंदर माल क्या है कि रोलिंग हो के दाना बन जाएगा इसका। ऐसे ये चाय का जो दाना अपन देखते हैं वो इससे बनता है। अभी ये खुगी से आने के बाद में ये माल है ये बेल्ट के द्वारा यहाँ तक आ गया, यहाँ आके ये सीधा चला जाएगा आगे सीएफएम मशीन में, इसमें एक आगे जाली लगी हुई है जिसको संतूर बोला जाता है, संतूर से इसका ग्रेडिंग हो जाएगा, मोटा दाना है वो वापिस अलग होकर दोबारा कट के आ जाएगा, और जो अपना ग्रेड वाइज दाना है वो निकल जाएगा आगे जाएगा उसके आगे फिर आगे। अब ये वहां संतूर से ये इसको बोलते हैं सीएफएम कंटिन्यूअस फर्मेंटिंग मशीन, इसके ऊपर माल है इसमें आएगा, इसमें नीचे मॉड्यूल की लाइन है, इसमें ऑक्सीजन देते हैं इसको, पानी के अंदर से हवा गुजार के ह्यूमिडिटी एयर इसमें देंगे तो इसका ये जो फर्मेंटेशन होगा उसमें ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। अब ये ग्रीन से ऑटोमेटिक कॉफी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही चाय बनना है। अब जैसे ये आप दिखा रहे हो इधर सामने दिखाइए कैप्चर कीजिए, ये जो बेल्ट है इसका ये जो माल है ऑटोमेटिक ग्रीन से कॉफी कलर में कन्वर्ट हो गया। काफी लोग बोलते हैं चाय में कोई कलर मिलाया जाता है और मिलाया जाता है, चाय की प्रवृत्ति खुद की कॉपरी कलर में कन्वर्ट होना है, इसमें कोई कुछ मिलाया नहीं जाता। अब ये जो बेल्ट के द्वारा आके इसको बोलते हैं ड्रायर, इसके अंदर पीछे से चाय फीडिंग होके इसके अंदर पूरी ड्राइंग होके बाहर निकल रही है। अब ये चाय बन के रेडी है, खाली इसकी ग्रेडिंग होनी बाकी है, ग्रेडिंग मतलब अलग अलग साइज का अलग अलग दाना, चाय एक ही है। चाय बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पैक नहीं करते हैं, पहले उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद पैक करते हैं। टेस्टिंग में हम लोग तीन चीज़ देखते हैं, ये हो गया आपका लिकर हो गया, ये हो गया इन्फ्यूज़न हो गया, और ये हो गया अपीयरेंस, इसको मतलब चाय का अपीयरेंस इससे देखेंगे कैसा है चाय, फिर ये इन्फ्यूज़न हो गया इससे भी देखते हैं हम लोग, और लिकर टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं, कलर से और टेस्ट से पता करते हैं। जैसे टेस्ट अगर करना हुआ हम लोगों को तो हल्का सा लेके इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, आप भी टेस्ट कर सकते हैं आप। ये टेस्ट से कड़वापन से और सब कुछ टेस्ट करते करते जो आदत हो गया हम लोगों का
उससे पता कर सकते हैं कैसा है चाय। विकास जी, आपने हमको पूरा प्रोसेस दिखाया कैसे विदरिंग से लेके यहाँ तक चाय फैक्ट्री के अंदर पूरी तैयार होती है और अब पैक भी हो गई है। विकास जी, अमूमन चाय को बनने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा विदरिंग से लेके इस प्रोसेस तक आने में कितने घंटे लगते हैं? मोटा मोटी आप देख लीजिए, जैसे विदरिंग का 4 घंटे और विदरिंग के बाद में 3 घंटे का प्रोसेस उधर हो गया, 4 घंटे का ही पकड़िए, मोटा मोटी 8 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं चाय को वहां से यहाँ बनने में। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ के जीएम से मिलवाऊंगा, राधेश्याम खंडेलवाल जी जिनका नाम है, और वो हमको आगे ये बताएंगे कि कैसे जो सीटीसी चाय है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, उसका बिजनेस कर सकते हैं जैसा कि वीडियो के पहले में आपको बताया था, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको ये बिजनेस करना है चाय का। तो चलिए अब चलते हैं सीधा बगान में और बात करते हैं खंडेलवाल जी से। तो दोस्तों, अब मेरे साथ राधेश्याम खंडेलवाल जी हैं जो सोनगाछी 30 स्टेट के जनरल मैनेजर हैं, और मैं आपको बता दूं इनसे कुछ भी पूछने से पहले कि ये 7 मार्च 1970 से इस गार्डन में हैं, लगभग 54 साल ये यहाँ पे अपने बिता चुके हैं जिंदगी के। राधेश्याम जी, मुझे ये बताइए कि जो सीटीसी चाय है, पिछले 54 साल से तो आप यहीं पे हैं, क्या इसका जो डिमांड है क्या वो बढ़ रही है? क्या चाय की डिमांड लगातार घरेलू डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि शायद ये चाय तो ज्यादातर घरेलू कंजम्पशन ही होती है? प्रोजेक्ट गार्डन डेवलप हो रहा है तो सेट गार्डन से ज्यादा चाय उनके हो रही है, पर उनकी क्वालिटी भी नहीं है और नए वो केमिकल कंट्रोल वगैरह में पीपीसी को फॉलो करते हैं, तो उनकी चाय सस्ती बिक जाती है और हम लोग महंगा भी बना के अच्छे बना के भी वो बता रहे हमको, उसका प्रोडक्शन का दाम भी नहीं मिलता है। वो लोग क्या कर रहे हैं जो दूसरे चाय बगान वाले हैं? जो प्रोजेक्ट गार्डन वाले हैं वो कोई क्वालिटी लिफ्ट तो प्लग करते नहीं है, 20 दिन में एक राउंड तोड़ते हैं और कम से कम 9-10-11 इंच का लाते हैं, तो उसका भीतर में कोई क्वालिटी नहीं होता है। लाल चाय मतलब पानी लाल हो जाता है। एक नया व्यापारी जो सर व्यापार में नया उतरा है, वो नया बिजनेस कर रहा है, वो कैसे पहचाने कि ये चाय को अच्छी चाय है और ये अच्छी दाम मिलेगी, कैसे पहचानने का उसका ये क्या है, पैरामीटर क्या है? देखिए, पहले तो उसको आपको देखना पड़ेगा, सब आप चाय को मिट्टी को देखेंगे तो उससे दिखेगा आपको कि वो चाय ब्राउनिश है या ब्लैक है, जितनी क्वालिटी खराब होगी वो ब्राउनिश होती जाएगी चाय पत्ती अच्छा मेटी मेटी अच्छा, और जितनी अच्छी होगी उसका भीतर में आप देखिएगा कि वो ब्लैकिश भी है और उसके भीतर में आपका ग्लेज है एक अच्छा। मेटी यानी कि किसको बोलते हैं हम? मेटी बोलते हैं जो ड्रायर से जो चाय निकलती है अच्छा, उसके बाद में जो ग्रेडेड हो जाती है अच्छा, उसमें जितने भी ग्रेड हैं वो अलग अलग हो गए, उस ग्रेड को हम लोग ऑक्शन में देते हैं या लोकल मार्केट में बेच देते हैं हिसाब से, तो उस चाय की क्वालिटी अभी क्या है, क्वालिटी आजकल हर बायर आपका टेस्टिंग जानता है अच्छा, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते नहीं। तो अच्छी चाय जब बनाएंगे तो आपकी चाय बिकेगी, नहीं तो बिकेगी नहीं। अब आप सवाल ये होता है कि आप अच्छी चाय बना रहे हैं तब भी आपकी क्यों नहीं बिक रही है, दाम क्यों नहीं मिल रहा है? तो मार्केट में सस्ती चाय खोजता है लोग, कि डाला सस्ता हुआ और लाल पानी हो गया और पी लिया, वो चाय उस पत्ते की बनती है और वो जितने भी गार्डन्स है, मैक्सिमम गार्डन्स जो पैकेट बनाते हैं उसका भीतर में डालते हैं, वो शुद्ध चाय नहीं डालते हैं, वो ऐसा वो सब मिक्स्ड है, मिक्स डालते हैं तो ब्लेंड करके जो कि सही नहीं है लगता है ब्लेंड करना, आपको क्या लगता है सही नहीं से चाय की क्वालिटी खराब होती है? वो मार्केट के हिसाब से कौन जगह में बिहार में कौन से पसंद करता है, दूसरे जगह कौन से पसंद करता है, उस हिसाब से वो लोग उस एरिया के हिसाब से पैक करता है कि यहाँ क्वालिटी खरीदेगा पैसा देगा वहाँ का ऐसा बनाना है, जहाँ पैसा नहीं देगा लाल चाय चाहिए उस हिसाब से वहाँ पैक कर देते हैं। लेकिन चाय अगर अच्छी नहीं है सर तो इससे क्या हेल्थ पर कोई परिणाम पड़ता है, हेल्थ पर इफेक्ट होता है? देखिए, अच्छी चाय नहीं है तो इसके भीतर में अगर केमिकल कंटेंट है
तब तो हेल्थ पे फर्क पड़ता है, अदरवाइज है अगर उसका भीतर में आपका टी वेस्ट है, जैसे जैसे पत्ती बढ़ेगी फाइबर कंटेक्ट बढ़ेगा, तो टी वेस्ट है वो इटसेल्फ इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो उसके भीतर में जाएगा तो डेफिनेटली नुकसान होगा, अगर उसका भीतर में ज्यादा आपको कैफीन की मात्रा बढ़ेगी। सर, जो एक नया व्यापारी है, आप 54 साल से यहाँ पे हैं इस बिजनेस में, जो एक नया व्यापारी है सीटीसी चाय का जो बिजनेस करने जा रहा है, उसको क्या सलाह देंगे? नया आगे करने जा रहा है तो उसको तो अपना मार्केट देखना पड़ेगा कि हमारा बाजार का भीतर में कैसे चल रहा है, वो अगर देखेगा यहाँ क्वालिटी चाय नहीं चलती है और पैसा देके खरीद लिया तो उसके घर में पड़ी रह जाएगी। अच्छा, तो उसको देखना पड़ेगा कि मार्केट, हाँ, वो लोकल मार्केट जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे कैसे चाय खरीदने वाला है, यानी जैसा चाय वहाँ चाहिए जिस कीमत का उसको उसी कीमत का वहाँ पे सेल करना पड़ेगा। हाँ, वही करना पड़ेगा, चाहे उसमें क्या क्वालिटी खराब हो तो भी उसमें उसको वही समझौता करना, वो तो खरीदता ही है, उसको क्या मालूम है क्वालिटी खराब है, लाल पानी चाहिए। तो खंडेलवाल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जैसा अगर आपको बिजनेस करना है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसी चाय की डिमांड आपके एरिया में वैसी चाय ही आपको देनी पड़ेगी। वैसी देनी पड़ेगी। अब इसके भीतर में ये है, जैसे हम लोग किसान आदमी है, राजस्थान में किसान है, पंजाब में किसान है, फसल अच्छी होती है तो आप देखते होंगे लोटा भर के चाय पीता है। सही बात है। और फसल ठीक नहीं होती है तो वो लोटा भर के एक गिलास भी नहीं पीता है। तो वहाँ पे क्या है कि जब फसल अच्छी होती है उसको चाय भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए, और फसल ठीक नहीं होता है तो वो क्वालिटी से समझौता करता है और वो उस हिसाब से पीता है। बिल्कुल सही बात है। तो इशारों में बहुत बड़ी बात बोल के कि जैसा देश वैसा भेस बनाना पड़ेगा तभी धंधा आपका सही चल पाएगा। तो मैंने आज आपको स्टार्टिंग से चाय पत्ती तोड़ने से लेके फैक्ट्री से लेके कैसे बिजनेस करें, किन बातों का ध्यान रखें, सर कोई आपसे डायरेक्टली बिजनेस करना चाहे तो क्या कर सकता है, अगर चाय खरीद सकता है आपसे? देखिए, टी गार्डन में तो होती है मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग है। हाँ, उसके बाद में या तो ऑक्शन में जाती है या फिर लोकल में को बेचता है, तो वो सिर्फ पावर है हेड ऑफिस का। अच्छा, किसी के हेड ऑफिस सिलीगुड़ी में, किसी कलकत्ता में, उनके पास में सैंपल चले जाते हैं, उस हिसाब से वो वहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ से कंटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमसे अगर आप बोलेंगे कि चाय दीजिए तो हम आप नहीं दे पाएंगे, बेचने का पावर हमको नहीं है। तो इनको बेचने का पावर नहीं है, लेकिन इनके जो ऑफिस है वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह दे दूंगा आपको। और इसके साथ साथ आज मैंने फिर से कहूंगा आपको बताया कि कैसे चाय पत्ती तोड़ी जाती है, कैसे फैक्ट्री में चाय तैयार होती है और उसके बाद कैसे बिजनेस करें, सारा आपको बताया। कोई कनेक्ट करना हो तो मैं सुनगाछी टी स्टेट का नंबर भी आपको दे जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। बहरहाल, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके क्या विचार हैं चाय के पत्ती के बारे में, चाय बिजनेस के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे अगले ही बिजनेस।